हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको लाइनक्स सर्वर पे रेड हैट लाइनक्स पे कैसे आप VSFTPD यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे ये मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि RHEL 6 का DVD आपके पास होना चाहिए, क्योंकि FTP सर्वर का पैकेज उसी DVD के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए RHEL 6 का DVD मैंने सिस्टम में इंसर्ट कर रखा है। देन आप देख सकते हैं कि ये DVD डेस्कटॉप पे माउंट हो गई है। डबल क्लिक करूँगा तो इसके कंटेंट्स आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अभी क्या करना है कि VSFTPD होता क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, या FTP सर्वर होता क्या है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP को बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम होता है फाइल्स को डाउनलोड करना और अपलोड करना। अगर आपके किसी रिमोट सिस्टम पे कोई फाइल पड़ी हुई है और आप वहाँ से कोई फाइल अपने सिस्टम पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप FTP सर्वर का यूज़ करते हैं, या अपने लोकल सिस्टम पे उस रिमोट सिस्टम पे फाइल को रखना चाहते हैं तो भी FTP सर्वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो सर्विस यूज़ होती है FTP बनाने के लिए, वो सर्विस का नाम है VSFTPD, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डीमन, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डीमन। ये एक सर्विस है जिसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम में FTP की सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए कैसे इंस्टॉल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन टर्मिनल, यानी कि इसका डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ, या आप ये कह सकते हैं RHEL 6 का शेल प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। इस शेल प्रॉम्प्ट में क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो VSFTPD सर्विस है वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड है। इसके लिए आप एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, RPM स्पेस हाइफन QA। QA का मतलब क्वेरी ऑल स्पेस VSFTPD, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखा, जब मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट किया तो डेस्कटॉप पे इस टर्मिनल पे शेल प्रॉम्प्ट पे कोई भी आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि VSFTPD सर्विस हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। अब इसको इंस्टॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस CD की उस लोकेशन पे हमें जाना होगा जहाँ पर VSFTPD सर्विस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CD, देन ये जो CD माउंट है एक्चुअली इस मीडिया फोल्डर के अंदर माउंट है। फाइल सिस्टम पे जाएंगे, मीडिया के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पैकेजेस हैं, ये पैकेजेस के अंदर VSFTPD ये सर्विस है हमारे पास। तो अगर इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, इसको बंद करते हैं सब, और ये सर्विस डेस्कटॉप। तो ये क्या किया मैंने, CD के अंदर से जाके, कहाँ से जाके एक बार फिर से देख लेते हैं। डबल क्लिक किया CD आइकन को, पैकेजेस के अंदर गए, यहाँ पर आपको VSFTPD ये सर्विस यहाँ पे मिल गई। तो बंद करते हैं इसको, ये मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है डेस्कटॉप पे। ओके, सो अभी इसको इंस्टॉल करना है तो फिर से ओपन इन टर्मिनल करते हैं, यानी शेल प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। सो यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं, RPM स्पेस हाइफन IVH स्पेस मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे सर्विस RPM पैकेज पड़ा हुआ है VSFTPD। इसी VSFTPD RPM को हमें इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए RPM स्पेस हाइफन IVH देन VSFTPD टैब यूज़ करेंगे, फाइल कंप्लीट हो जाएगी। देन एंटर प्रेस करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जिट करते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद अभी इसको सर्विस को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन हुआ है तो सर्विस VSFTPD रीस्टार्ट, देन एंटर प्रेस करेंगे, सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी।
अब इसको चेक करना है कि ये FTP सर्वर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे, देन यहाँ पर URL देंगे FTP का, FTP, देन IP एड्रेस, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक बार IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। चेक करना पड़ेगा इसका IP एड्रेस क्या है। यस, 88.248, 88.248, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ FTP सर्वर ये बन चुका है, तभी ये पब नाम का डायरेक्टरी शो कर रहा है। तो इस पूरे सेशन में आपने सीखा कि कैसे FTP सर्वर इंस्टॉल करते हैं RHEL 6 पे। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।